अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, सेवन्थ क्लास हमने लेसन नंबर 8 आया नेशन स्ट्रेंथ स्टार्ट किया हुआ था। इसका हमारा आज का जो बुक वर्क है पेज नंबर 92 ग्रामर है। इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन जो है अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ये क्यों प्रोनाउन हम नाउन प्रोनाउन जो होता है हम क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। यानी कि अगर एक चीज़ है कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली वर्क्स हार्ड, अली गोज टू स्कूल, अगर हम अली 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 लगाएंगे ना तो वो कह लो कि वो सेंटेंस जो है उसमें अली 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 की रिपीटेशन हो जाएगी बार बार। तो हम क्या करेंगे? अली इज़ अ गुड बॉय, अली वर्क्स हार्ड, इसकी जगह क्या? अली इज़ अ गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड, ही goes to school या he gets up early in the morning। तो हम जब he use करेंगे तो वो he, she, it क्या हो जाएगा? वो pronoun हो जाएगा। तो pronoun की एक kind है indefinite pronoun और reflexive pronouns। तो indefinite pronoun क्या होता है? Let's see it। Indefinite pronoun refers to person or things in general way। जो in general way क्या है? ये refer करता है जो indefinite pronoun किसको? Person और चीज़ों को। बट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, लेकिन पर्टिकुलरली नहीं करता, यानी कि ख़ास तौर पे नाम लेके या किसी चीज़ का नहीं बताता कि आयशा ने ऐसे किया या अली ने ऐसे किया या वो चीज़ जो भी थी टेबल ऐसे है या चेयर, मतलब नहीं। वो क्या करते हैं? वो जनरली इसको यूज़ करते हैं। कैसे जनरली क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूज़ कर देंगे वन, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, एनी, अदर, एनीबडी, एवरीबडी, बोथ, मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ होती है। ये इसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एवरीबडी इज़ वेलकम एट द पार्टी, ये जनरली बात हुई है। एवरीबडी क्या है? जनरली बात है, किसी को पर्टिकुलरली या ख़ास तौर पे नहीं कहा कि तुम यहाँ पे इन्वाइटेड हो, बल्कि उनसे कहा एवरीबडी, हर कोई इस पार्टी में जो है आ सकता है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, कि किस वन क्या है? ये किसी भी फ़र्द को जाहिर कर रहा है कि कोई भी फ़र्द जो है वो मुश्किल से ही जानता है कि उसको क्या करना है। अब ये नहीं बताया कि वो अहमद जो है वो मुश्किल से जानता है, अहमद हार्डली नोज़ व्हाट टू डू। अगर हम एक क्लास में बैठे हैं तो एक एक बंदे का नाम लेके नहीं बल्कि वन लिख दिया उसको। तो ये वन क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। टू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करो, ये नहीं कहा कि फलाने के साथ करो, फलाने के, उसने अदर्स लिख दिया। तो ये अदर्स क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहाँ पे हमने अंडरलाइन करना है दी इनडेफिनेट प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम हमारा है इनडेफिनेट, क्योंकि कुछ लोगों का जिक्र है कि कुछ लोग अजीम पैदा ही अजीम होते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो इसमें फ्यू हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। वन नेवर नोज हु माइट बी लिसनिंग, तो यहाँ पे वन। मैनी ऑफ देम वर क्रिश्चियंस, मैनी ये हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इज देयर एनीथिंग इन दैट बॉक्स, जो दैट है इसमें हमारा दैट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, जब कोई चीज़ या कोई चीज़ उसी आदमी को रेफर कर रही हो, उसी शख्स को या उसी चीज़ के बारे में बता रही हो, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव, यानी कि अपना आप। सिंगुलर में आई जो है उससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ। देखो सेल्फ यूज़ हुआ है ना, सेल्फ तो क्या है? अपने आप की है, किसी भी उसकी अपनी बात हो रही होती है, सेल्फ यूज़ हो गया है। सेल्फ किसे कहते हैं? अपनी ज़ात को। तो आई से माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिमसेल्फ, ही हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वी आर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, ओके। फॉर एग्जांपल आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जख्मी किया। ही लुक्स हरसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को देखा शीशे में। वी एंजॉयड आवरसेल्फ्स ऑन द पिकनिक, हमने खुद क्या था पिकनिक में मजे किए। ही हिमसेल्फ क्लीन्स द ऑफिस, उसने खुद अपने ऑफिस को साफ किया। दे देमसेल्फ्स गैदर द इंफॉर्मेशन, उन्होंने खुद क्या किया? इकट्ठी की इंफॉर्मेशन या मालूमात। अब ये दिए गए हमने लगाने, अब आपको यहाँ उन्होंने बता दिया कि आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ और सबका इस तरह। अब आपने उससे रिलेटेड लगाना, वी होप टू अवेल आवर सेल्फ ऑफ ऑल कैजुअल लीव्स,
She could not avail herself of the opportunity. He absented himself from the class. They saved themselves by contacting the fire brigade immediately. You signed yourself to your faith. We treated ourselves by watching a wonderful movie last night. I bought myself a new computer yesterday. Don't you deceive yourselves. ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे है प्रोनाउंसिएशन। इसको सिर्फ मैं आपको बोल के एक दफ़ा बताती हूँ, ये सिर्फ आपको वर्ड्स आपको आने चाहिए। He took a look at the look and the book. ये जो सेम आते हैं ना जब हम बोल रहे होते हैं तो इनको टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। जैसे took, look, book, ये क्या हो जाता है? टंग ट्विस्टर्स। The stern clerk had a thirst for my purse. A giggling girl guarded the green garlic dish. How much then would a dew drop if a dew drop did drop dew? English language is increasing its range as a lingua franca. The noisy boy toils with the soil to make toys. A big bug bit a bold bald bear and the bold bald bear bled badly. He threw the three filthy thieves down with a third. Keith chews a chunk of cheap cheddar cheese. The fool threw the soap in the pool. ये हो गई इसकी प्रोनाउंसिएशन। ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।